दोस्तों, क्या आप जानते पुलिस कैसे बनते और कैसे होती है पुलिस की ट्रेनिंग? और क्या आपको पता है महिला पुलिस की मेडिकल टेस्ट कैसे की जाती है? महिलाओं के मेडिकल टेस्ट को लेकर कई सारे सवाल लोगों के जहन में उठते कि क्या लड़कों की तरह लड़कियों का भी मेडिकल टेस्ट खुल्लम खुल्ला होता है? क्या पुरुषों की तरह उन्हें भी अपने हर एक निजी अंगों की जाँच करवानी पड़ती है? और अगर हाँ, तो इसे कौन करता है, कोई महिला या फिर पुरुष? आइए जानते हैं ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब। आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि हम पुलिस कैसे बने। तो पुलिस बनने से पहले आपको ये समझना होगा कि पुलिस की कई सारी पोस्ट होती है, जैसे कि कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी वगैरह वगैरह। और इन्हीं सब पोस्ट के आधार पर कोई पुलिस बन सकता है, जिसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। दोस्तों, बात करते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट की। अगर किसी को पुलिस ऑफिसर बनना है तो उसे क्या चाहिए होगा? कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों, इसमें जनरल और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। एससी एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट चल सकती है, जबकि अगर कोई महिला है तो उसकी 155 सेंटीमीटर की हाइट लिमिट है। और अगर चेस्ट की बात करें तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी में बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो वहीं फुलाकर 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एससी एसटी कैटेगरी वालों को बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं को इसमें छूट रहती है, लेकिन हाइट और वेट निर्धारित मापदंड के हिसाब से ही होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट में दौड़ सबसे अहम होती है। इसलिए जो पुरुष कैंडिडेट होते हैं उन्हें 6 मिनट 30 सेकंड में 1 मील की दूरी दौड़नी होती है। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट होती है उन्हें 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी दौड़नी पड़ती है। अब जान लेते हैं हाई जंप और लॉन्ग जंप के बारे में, क्योंकि जो पुरुष कैंडिडेट होते हैं उनके लिए हाई जंप 4 फीट की होती है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट की होती है। वहीं जो लॉन्ग जंप होती है वो पुरुष कैंडिडेट के लिए 12 फीट की होती है, तो वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 9 फीट की होती है। दोस्तों, ये तो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे थे। अब अगर हम डीएसपी पोस्ट के लिए हाइट रिक्वायरमेंट की बात करें, जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए कम से कम हाइट 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए। वही एससी एसटी और किसी भी वर्ग की महिला केंद्रीकृत के लिए हाइट 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की चेस्ट बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए और एससी एसटी कैंडिडेट का चेस्ट बिना फुलाए 31 इंच होना चाहिए। दोस्तों, फिजिकल टेस्ट को पास करने के बाद जब ट्रेनिंग की बारी आती है तो इसे लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर पुलिस ट्रेनिंग के दौरान होता क्या है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पुलिस को हर एक परिस्थिति के लिए तैयार किया जाता है, ताकि वो बेहतर निर्णय ले सके। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा भीड़ आ गई है तो उसे कैसे नियंत्रित करना, या फिर किसी केस को किसी तरह से सॉल्व करना है, अनुशासन में किस तरह रहना है, या फिर कैसे रहना सिखाना है, ये सारी बातें ट्रेनिंग के दौरान ही सिखाई जाती है। इसीलिए पुलिस की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिसमें कैंडिडेट्स को मेंटली और फिजिकली मजबूत बनाया जाता है। अब बात करते हैं प्रमोशन के बाद कौन सी पोस्ट मिलती है। तो दोस्तों, इन सभी पोस्ट की खास बात ये है कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो समय समय पर आपका प्रमोशन भी होता रहता है। जैसे कि कांस्टेबल से आप हेड कांस्टेबल हो सकते हैं, तो वहीं सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर हो सकते हैं, और अगर आप एसपी हैं तो आप डीजीपी बन सकते हैं। और ये सब कुछ आपके काम करने पर निर्भर करता है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो बहुत ही जल्दी अपने एरिया से क्राइम को कम कर देते हैं, तो आपका प्रमोशन जल्दी जल्दी होता है। लेकिन अगर आप ठीक तरह से काम नहीं करते तो आपका प्रमोशन लटका ही रहता है। आइए अब थोड़ा सैलरी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सैलरी की बात करें तो हर कोई ये जानना चाहता है कि पुलिस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। ये तो आप जानते हैं कि हर पोस्ट के लिए सैलरी अलग अलग मिलती है, जहाँ ये सैलरी अलग अलग यानी राज्यों के हिसाब से थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन अगर हम एवरेज तौर पर सैलरी की बात करें तो दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल की शुरुआत में 25 से 28,000 के बीच में सैलरी होती है। सब इंस्पेक्टर की सैलरी 35,000 के आसपास होती है। वहीं डीएसपी की सैलरी 55,000 से भी ज्यादा हो सकती है, और जो एसपी होते हैं उनकी सैलरी 75,000 के करीब मिलती है। यहाँ हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे, इन सब की ऑफिशियल सैलरी होती है, इनकी इन हैंड सैलरी थोड़ी अलग हो सकती है। अब आप ये जान गए कि पुलिस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, लेकिन इसकी तैयारी कैसे करनी है ये बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आता। तो दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपकी तैयारी सिलेबस के हिसाब से होनी चाहिए, तभी आप उस इम्तिहान को पास कर पाएंगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जिस किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से उसका सिलेबस जान लो और फिर अपने पोस्ट के हिसाब से तैयारी करो।